हेलो दोस्तों, आज हमारे पास आ चुके हैं रियलमी पैड। जी हाँ गाइज, आज इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग और आपको डिटेल में रिव्यू बताएंगे। क्या गाइज, बजट के अंदर ये टैबलेट एक स्टूडेंट को या किसी भी गेमर को ये लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो चलिए फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सबसे पहले आप बॉक्स के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे रियलमी पैड है, उसकी फोटो मंडी हुई है और यहाँ पे आपको नीचे रियलमी की ब्रांडिंग मिल जाती है और साइड में भी आप देखोगे तो यहाँ पे नाम लिखा है रियलमी पैड। तो चलिए फटाफट से ओपन करते हैं बॉक्स को। तो गाइज, जैसे ही आप ओपन करते हो, सबसे पहले आपको अपनी रियलमी की टैबलेट है वो मिल जाती है। टैबलेट कह सकते हो या पैड कह सकते हो। तो इसको बाहर निकालते हैं। तो गाइज, ये टैबलेट बहुत ही बढ़िया टैबलेट है और बैक से आप देखते हो तो इसके अंदर आपको मेटल की बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। तो एक बार इसको साइड में रखते हैं और बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे एक चार्जर मिल जाता है 18 वोल्ट का और इसके अंदर आपको टाइप सी केबल मिल जाती है और नीचे इंजेक्टर टूल मिल जाता है और बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। तो बॉक्स को एक बार साइड में रखते हैं। तो चलिए गाइज, टैबलेट को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हो गाइज किस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, हमने इसके अंदर लिमिटेड ऐप है वो इंस्टॉल कर रखे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पोर्ट्स और बटन की। तो नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दो स्पीकर मिल जाते हैं और बीच के अंदर टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, एकदम प्लेन मिल जाता है और इसकी बॉडी है ना मेटल की बॉडी है, चारों तरफ ही मेटल की आपको देखने को मिल जाती है बॉडी। राइट साइड में आप देखोगे तो आपको नीचे नीचे सिम इंजेक्टर टूल मिल जाता है, इसमें आप दो सिम लगा सकते हो या एक सिम और एक एसडी कार्ड लगा सकते हो और ये डुअल 4G को सपोर्ट करता है। और यहाँ पे आपको दो माइक मिल जाता है और ऊपर आप देखते हो तो आपको वॉल्यूम अप डाउन करने के बटन मिल जाते हैं। सबसे ऊपर गाइज आप देखते हो तो यहाँ पे आपको पावर अनलॉक बटन मिल जाता है और दो माइक और मिल जाते हैं ऑडियो के लिए। और गाइज एक चीज़ नीचे रह गई थी, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कॉर्नर के ऊपर 3.5 mm का जैक मिल जाता है। यार इतना कॉर्नर के ऊपर है तो दिखाई नहीं दिया। और गाइज, टैबलेट की बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको रियलमी की ब्रांडिंग मिल जाती है और ऊपर आपको एक 8 MP का सिंगल कैमरा मिल जाता है। तो कैमरे की क्वालिटी भी आपको चेक करके बताएंगे। बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो यार मेटल की बनी हुई है एकदम, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और चारों तरफ से आपको एकदम मेटल की मिल जाती है और यहाँ पे आपको आईपैड का सा लुक देती है, बहुत ही एकदम प्रीमियम सा फील होता है। इसको रोटेट करते हो तो यहाँ पे आपको फ्रंट का कैमरा मिल जाता है और ये भी 8 MP का है। फ्रंट के अंदर और बैक के अंदर आपको दोनों साइड के अंदर 8 8 MP के कैमरे मिल जाते हैं। तो कैमरे की फ़ोटो मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ किस प्रकार से फ़ोटो और वीडियो आती है। तो गाइज़, हमने कुछ फ़ोटो क्लिक की थी, आप सेल्फी आप देख सकते हो, इसकी अच्छी खासी सेल्फी आ जाती है। हालांकि ये कैमरे के लिए नहीं है, नॉर्मल आप पढ़ सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और हमने वीडियो भी बनाया है तो वीडियो भी आप देख सकते हो, ठीक ठाक आपको स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। और फ़ोटो भी गाइज आप बैक कैमरे से देख सकते हो और सेल्फी में मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से आती है। सेल्फी भी आप देख सकते हो अच्छी क्वालिटी के अंदर आपको मिल जाती है और एकदम आउटडोर के अंदर हमने इसको क्लिक किया है तो इसकी डिटेलिंग भी आप देख सकते हो, फटती नहीं है यार बिल्कुल भी। क्योंकि गाइज कैमरा इसका बढ़िया है, क्योंकि यार कैमरे के लिए नहीं बनी है कि इससे सीधे आप इससे वीडियो कॉल कर सकते हो। जैसे हम कैमरा ऐप को ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको तीन में ऑप्शन मिलते हैं, वीडियो, फोटो और एक्सपोर्ट। इसके अंदर आप जैसे चाहो वैसे यहाँ पे सेटिंग वगैरह चेंज करके फ़ोटो ले सकते हो। और फ्रंट के अंदर हम कैमरा करते हैं तो आप देखते हो जैसे आप इसको रोटेट रखोगे ना तब यहाँ पे कैमरा अच्छी तरीके से वर्क करेगा। अगर गाइज आप ऐसे फोटो लेते हो तो यार कैमरा ऊपर रह जाता है तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। अगर आप ऐसे रोटेट करके रखोगे तो कैमरा यहाँ पे रहेगा तो आप आराम से वीडियो कॉलिंग पर ऐसे बात कर सकते हो और वीडियो और फोटो दोनों भी इससे अच्छी खासी आ जाती है। और इसी प्रकार से आप बैक में अगर फोटो लेना चाहते हो तो आराम से ले सकते हो। इन एंड फील की बात करेगा जी, इन एंड फील की तो यार बहुत ही लाइट वेट फील होती है और आप अगर नॉर्मल साइज के हाथ हैं या बड़े हाथ हैं तो आप एक हाथ से भी इसको पकड़ सकते हो। अगर आपके छोटे हाथ है तो आपको प्रॉब्लम होगी, वरना आप आराम से एक हाथ के अंदर पकड़ सकते हो। बात करें इसके वेट की तो आपको 432 ग्राम इसके अंदर वेट मिल जाता है, लेकिन यार इतना फील नहीं होता है, एकदम लाइट वेट है फील होती है। और गाइज हमारे पास जो वेरिएंट है वो 3GB 32GB वाला वेरिएंट है। अब बात करते हैं इसके अंदर डिस्प्ले की, तो आपको 10.4 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है और ये फुल HD से भी बढ़कर है, क्योंकि इसके अंदर आपको फुल HD से ज़्यादा प्लस 2K से कम मिल जाती है। तो एक बहुत ही अच्छी खासी आपको डिस्प्ले मिल जाती है विथ 68K रिफ्रेश रेट के साथ। और इसके कलर वगैरह आप देख सकते हो, अगर आप मूवी वगैरह देखने के शौकीन हो तो अब इसमें आप आराम से देख सकते हो। हालांकि फुल जूम तो नहीं होता है इसके अंदर, लेकिन बढ़िया है क्योंकि इसके अंदर यार इसका साउंड भी आप सुन सकते हो, बहुत ही कमाल का साउंड आता है क्योंकि इसके अंदर आपको चारों तरफ स्पीकर मिल जाते हैं, दो ऊपर और दो नीचे। और गाइस इसका आप साउंड सुन सकते हो यार, और गाइज इसका साउंड भी यार बहुत ही कमाल का है, आपको स्टीरियो जैसा लुक देता है। अगर आप मूवी वगैरह देखते हो तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि इसके अंदर आपको गाइज चारों तरफ स्पीकर मिल जाते हैं, दो ऊपर और दो नीचे। तो गाइज बहुत ही कमाल का इसके अंदर साउंड आता है।
बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की, तो इसके अंदर आपको मीडिया टेक हीलियो G80 इसके अंदर प्रोसेसर मिल जाता है जो एक अच्छा खासा प्रोसेसर है। तो गाइज इस प्राइस रेंज के अंदर ये बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है, इसकी प्राइस भी हम आपको बताएंगे। इसके नाम नॉर्मल गेमिंग कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा गाइज इस टैबलेट को लोग है वो पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं, तो इसकी पर्पज़ से रियलमी ने इसको लॉन्च किया है। और बात करते हैं गाइज इसके सबसे बड़े फीचर की बैटरी की, तो इसके अंदर आपको 7100 mAh की बैटरी मिल जाती है। जी हाँ गाइज 7100 की आपको बैटरी मिल जाती है mAh की। तो इसको इसके साथ आपको 18W का फास्ट चार्जर मिल जाता है, इसको आप चार्ज लगाओगे तो 2 से 3 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाएगी। बात करें बैटरी बैकअप की, तो अगर आप पूरे दिन इसी पर लगे रहते हो तो आपको 1 से 1.5 दिन इसकी बैटरी वो आराम से चल जाएगी। अगर आप नॉर्मली यूज़ करते हो 2-3 क्लास ले लेते हो दिन में, या चार पाँच घंटे यूज़ करते हो, तो आपको 3 से 4 दिन इसकी बैटरी वो आराम से चल जाएगी। तो गाइज इसका बैटरी बैकअप है यार बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं गाइज इसके सेंसर की, तो इसके अंदर यार आपको फेस अनलॉक मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है, और डुअल 4G का इसके अंदर सपोर्ट है, और ब्लूटूथ 5.0 इसके अंदर आपको आराम से मिल जाता है। और गाइज ये टैबलेट है वो 2 कलर के अंदर आपको मिल जाती है, हमारे पास गोल्ड वेरियंट है और एक ग्रे कलर के अंदर भी आती है। और गाइज बात करें इसके अंदर ऑप्शन की, तो आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो एक मोबाइल फ़ोन के अंदर मिलता है, दो नो डिस्टर्ब, नाइट मोड, डार्क मोड, फॉक्स मोड, रीडिंग मोड, और इसकी ब्राइटनेस भी बहुत ही अच्छी है, आप इंडोर आउटडोर कैसे भी यूज़ कर सकते हो। और गाइज ये टैबलेट एंड्रॉयड 11 के साथ आती है, और इससे आप बात भी कर सकते हो। जी हाँ गाइज इससे आप कॉल भी कर सकते हो किसी को, और यहाँ पे इंटरनेट भी आराम से इसके अंदर चल जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो हम जैसे यूट्यूब को ओपन करते हैं, आप देख सकते हो ओपन हो रहा है। और इसका साउंड क्वालिटी यार बहुत ही कमाल का है, इसके अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं, और लुक वगैरह भी यार इसका बहुत ही अच्छा है। तो हम कोई भी गाना चलाते हैं तो आप देख सकते हो। और गाइज एकदम लैपटॉप की सी आपको फीलिंग देता है, क्योंकि इसकी बड़ी स्क्रीन है और बहुत ही अच्छी यार इसकी क्वालिटी है, आप देखते हो। और गाइज सबसे अच्छी बात तो ये लगी यार ये वैल्यू फॉर मनी है। जी हाँ गाइज इसकी प्राइस हमें पड़ी है वो 16,000 पड़ी है, क्योंकि यार इसके अंदर आपको बैटरी अच्छी मिल जाती है, 7100 mAh की बैटरी, और यहाँ पे आपको डुअल 4G का सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि गाइज वाईफाई होती है वो यार कहाँ कहाँ उनको वाईफाई से कनेक्ट करते फिरे, लेकिन इसके अंदर आपको सिम डालने का ऑप्शन मिल जाता है। और ये कलर भी इसका बहुत ही अच्छा है, और इसके अंदर आपको 10.4 inch की फुल HD+ डिस्प्ले मिल जाती है, और इसके अंदर आपको MediaTek Helio G80 प्रोसेसर मिल जाता है, वो भी ठीक ठाक प्रोसेसर है एकदम बड़े तरीके से। और गाइज इसको आप रोटेट भी कर सकते हो, यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको पता ही होगा टैबलेट वगैरह है तो रोटेट तो आराम से हो जाती है। और इसके अंदर आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, डायरेक्ट मोड, नाइट मोड, A to Z, और इससे आप प्ले स्टोर भी मिल जाता है आपको, तो कोई भी इसके अंदर आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे गाइज आप इसके अंदर सारे ऐप चला सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सभी के इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑल ओवर दोस्तों टैबलेट की बात करें तो यह टैबलेट बहुत ही कमाल का है, इसके अंदर आप एक स्टूडेंट हो तो आराम से पढ़ सकते हो, और अगर आप गेमर हो तो भी आप नॉर्मल गेमिंग इसके अंदर आराम से कर सकते हो, और अगर आप ऐसे टैबलेट का शौक है तो भी आप इसको आराम से ला सकते हो। तो गाइज आज का वीडियो और आपको एक रियलमी पैड आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर लाइक जरूर कर लेना।